हे गाइस, मैं हूँ केयर कुवाड़िया। आप सभी का स्वागत है क्रैक्स टेक्नोलॉजी में। तो आज भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में, उसमें आने वाला है 60 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा एंड 5000 mAh की बैटरी। ये बहुत ही बिगेस्ट बैटरी है मोटोरोला की ओर से, फ्यूजन में सपोर्ट दिया गया है। अभी देखते हैं ये फ़ोन किस प्राइस में और कौन से स्पेक के साथ इंडिया में लॉन्च होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, जियो में बहुत लोगों ने अब इन्वेस्ट कर दिया है। इसमें अब इन्वेस्ट किया है एडिया ने, जिसने इन्वेस्ट किया है 5683,000 करोड़। अभी देखते हैं जियो क्या कुछ नया लेके आता है। हालांकि जियो में अभी तक बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, रेडमी 9 बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसमें सपोर्ट करने वाला है 18 वोट का फास्ट चार्जिंग एंड 5020 mAh का बैटरी भी दिया गया है। यह मिड रेंज में आने वाला अपकमिंग शाओमी का नया मोबाइल रेडमी 9 आने वाला है बहुत ही जल्द इंडिया में। ये मिड रेंज में आने वाला है और बहुत सारे अच्छे स्पेक के साथ लॉन्च होने वाला है इंडिया में। अभी देखते हैं कौन से प्राइस के साथ और कौन से स्पेक हमें इस मोबाइल में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, शाओमी ने बहुत पहले वैक्यूम रोबो लॉन्च किया हुआ था। अब लॉन्च कर दिया है रोबो वैक्यूम रोबोरॉक ने, बहुत ही अच्छा क्लीनिंग करने वाला। अभी ये लॉन्च हो गया है, रोबोरॉक ने रोबो वैक्यूम लॉन्च कर दिया है। अभी देखते हैं ये वैक्यूम क्लीनर में और कौन कौन सी ब्रांड इंक्लूड होती है। शाओमी के बाद अब ये पहली ब्रांड है जो लॉन्च कर दिया है रोबो वैक्यूम रोबोरॉक की तरफ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। गाइस, कोविड-19 में अब गूगल मैप वालों ने भी अपना एक अपडेट लॉन्च कर दिया है। आप अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं मैप में और आपको मिल जाएगी मैप में ही कोविड-19 की अपडेट। ये बहुत ही जल्द आपके मोबाइल में अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, एचपी की ओर से दो नए क्रोमबुक्स लॉन्च होने वाला है। ये क्रोमबुक्स बहुत ही जल्द इंडिया में लेकर आते हैं इंटेल आइस लेक प्रोसेसर के साथ। बहुत ही जल्द ये लॉन्च होने वाला है। अभी देखते हैं ये क्रोमबुक में कौन से स्पेक और कौन से प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है। हालांकि शाओमी के बाद अब ये सब लैपटॉप भी लॉन्च करने चालू कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, ओप्पो भी अब स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। ये ओप्पो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है हाफ ऑफ 2020 में, मतलब बहुत ही जल्द इंडिया में लेकर आ रहे हैं ओप्पो वाले अपना एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। अभी देखते हैं वो कौन सी प्राइस के साथ और कौन से स्पेक के साथ इंडिया में लॉन्च करता है। हालांकि MI के बाद और Realme और Nokia और अब बारी आ गई है Oppo की। Oppo बहुत ही जल्द अपना एक स्मार्ट और शायद एंड्रॉयड तो होगा ही उसमें, पर बहुत ही जल्द लॉन्च कर रहा है इंडिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक के बारे में। गाइस, OnePlus Z या तो Z कह सकते हैं आप, बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है जुलाई को। बहुत ही जल्द OnePlus वाले अपना एक नया मोबाइल यानी कि OnePlus G बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। जी यानी कि जेड, हालांकि हम जेड को सब लोग जी ही बोलते हैं, पर OnePlus की ओर से अभी लॉन्च होने वाला है OnePlus 6। बहुत ही जल्द इंडिया में लेकर आने वाले हैं अपना नया एक और मोबाइल। इसकी प्राइस नियरेस्ट रहने वाली है 24,999 रुपीज़। हालांकि ये मिड रेंज फ़ोन से थोड़ा ऊपर है, पर बहुत ही जल्द शायद इसके नियरेस्ट प्राइस में ही OnePlus वाले लॉन्च करने वाले हैं OnePlus Z।
सो गाइस बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक यू।